भूख लगी? ऑनलाइन महंगा ऑर्डर देके परेशान हो? तो आ जाओ फूड टैंगो पे, जहां से आप मुमरा के सारे रेस्टोरेंट, सारे ढाबे, सबकी फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, वो भी औरों से सस्ते प्राइस में। वाओ! सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मिलेंगे फ्री होम डिलीवरी, शॉपिंग कूपन, आपको और आपके फैमिली को वाटर पार्क जाने का मौका और ढेर सारे ऑफर्स। क्या बात है! तो आज ही प्ले स्टोर से फूड टैंगो ऐप डाउनलोड करें, ऑर्डर दे, अपनी टाइम और पैसा दोनों बचाए। ऑर्डर एट फूड टैंगो नाउ। महेश सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बेखौफ अपराधियों ने एमआईएम पार्टी के नेता आरिफ जमाल की गोली मारकर हत्या कर दी है। मामला बिहार के सीवान का है। बताया जा रहा है कि आरिफ जमाल रात के समय कुतुब छपरा मोड़ पर एक होटल के पास खड़े थे, तभी तीन बदमाश बाइक से आए और आरिफ जमाल पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर। फायरिंग में आरिफ जमाल के पेट में गोली लगी। स्थानीय लोगों ने इन्हें एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने मीडिया को जानकारी दी कि फायरिंग करने वाले तीन अपराधी थे जो बाइक से आए थे और इन लोगों ने तीन राउंड फायरिंग की थी और जमाल को गोली लगते ही ये मौके से फरार हो गए थे। आपको बता दें कि आरिफ जमाल एमआईएम पार्टी के नेता थे और पूर्व विधानसभा चुनाव भी वो लड़ चुके थे, मगर अब उनकी हत्या से दहशत का माहौल बन गया है और गोली किसने मारी और क्या वजह रही अभी ये साफ नहीं हो पाया। क्या लग रहा है कि अपराधी बहुत जल्द पकड़ा जाएगा? अच्छा जी, ये हम लोग को पूर्ण विश्वास है जी जी कि अपराधी बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। घटना क्यों घटी है, क्या लग रहा है आपको? अब घटना के विषय में तो चूंकि नेता थे, घटना अंदरूनी है कि पॉलिटिकल है, कहा नहीं जा सकता है। अनुसंधान अभी अनुसंधान जारी है, छापेमारी अभी तो छापेमारी कहाँ, अभी तो एफ आई आर नहीं हुआ। अच्छा, यह करने के बाद एफ आई आर लगेगा। इस तरह से अपराधी गतिविधि जो है उसमें रात से साइकिल टीम लगा हुआ है, अभी भी बड़ा उधरे हैं, छापमारी कर कुछ कुछ रिकवरी हमने कुछ पूछताछ के लिए उठाया गया, हिरासत में लिया गया, कुछ लोगों को जानकारी अभी हिरासत बड़ा लौटवे नहीं किए। अच्छा, वही जानकारी दिए कि अभी हम रेड छापमारी में हैं, दो चार को ग्रुप है, इस पर हम लोग छापमारी लाठी लगाए हुए। अपराधी बहुत जल्दी पकड़ा है। आप घर पे गए थे, लोग का क्या कहना है, परिवार लोग का तो कहना है कि प्रशासन के ऊपर, तो हम लोग गश्ती में थे तो हम आधा घंटा पहले इधर से गुजरे थे तो सब स्थिति ठीक था, उसके बाद से ना उधर से लौटते हैं गोपालपुर की फिर तो सूचना की गोली चली है, हम यहाँ आए तब तक गोली कर हॉस्पिटल चले गए। आप लोगों को क्या लग रहा है कि हत्या का कारण क्या हो सकता है? हत्या के विषय में तो डिटेल बताने के बाद ही पता चलेगा।